जितना सुना था ना उसका 1% भी अच्छा नहीं निकला ये बिल्कुल भी। बहुत ही गंदा टेस्ट था वेज का तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जी फ्रेंड्स, आज अपना डे टू है नैनीताल पे। तो आज तो ऐसा कुछ है नहीं, आज तो देखते हैं यहीं पे सिटी एक्सप्लोर करने का है। कल हम मुक्तेश्वर और नीम करोली बाबा हो ही आए, तो आज अभी तो जैसे देख सकते हैं आप मेरे बैग में नैनी झील चल रही है। तो अभी तो यही एक्सप्लोर करके देखते हैं, बोटिंग का प्लान है। बोटिंग के बाद फिर मॉल रोड एक्सप्लोर कर लेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हम कर पाते हैं आज। तो आपको फुटेजेस शेयर करते हैं, वीडियो में बने रहिए। अभी तो कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस 11:30 हो गए हैं और अभी तो बस लेक व्यू एंजॉय कर रहे हैं, बोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा बोटिंग एक्सपीरियंस, फुटेजेस शेयर करते हैं आपको। सो जी फ्रेंड्स, ये है वो बोटिंग पॉइंट। तो यहीं से बेसिकली बोटिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर दो लेंथ के रहते हैं बेसिकली। तो इस वाले लेक में क्या दो पॉइंट काट रखे हैं इन लोगों ने। तो अगर जैसे मैं आपको बताऊं तो हाफ का एक राउंड लगता है ये, जिसमें 1 घंटे का टाइम ये बोलते हैं, 1 घंटा टाइम लगता है उसमें। और थोड़ा और जूम करेंगे तो जो सेकेंड पॉइंट है वो वाला, ये शायद 1.5 या 2 घंटे में पूरा चक्कर कटवा के लेके आते हैं और उसका फेयर अलग होता है। सो जी फ्रेंड्स, ये है वो, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लेक पॉइंट जो है, जहाँ पर पूरा अपना लेक हब रहता है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, तो ये टिकट काउंटर है मेरे पीछे। तो इसमें क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर अगर आप ये देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, जो वो बतख है तो वो वाला तो इसका आधा चक्कर है, और आगे एक ड्रम इन्होंने रखा हुआ है जो फुल चक्कर ये बोलते हैं। तो जिसका फेयर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 210 है, और 160 का हाफ चक्कर है फॉर चक्कू वाली बोट। तो उसमें ये क्या करते हैं बेसिकली, तो 2 या 3 बंदे अलाउड है मैक्सिमम, 3 अलाउड है, 4 नहीं करते, 4 के लिए फिर 2 बोट करनी पड़ती। वाओ ब्यूटी, एंड द बोट स्टार्टेड। देख लो भाई लोग, ये है भाई बोटिंग ऑल अराउंड। नैनी झील, नैनी झील है ना भाई ये, इसकी कहानी बता दो भाई क्या है। सती माँ की लेक है सर। अच्छा, सती माँ की गिराई गई है। ओके, इसका नाम है नैनी झील। अच्छा, तो इस झील में कोई जानवर वानवर भी है क्या? हैं? कोई जानवर नहीं है। इस तरफ राइट साइड में क्या है यार, फिर ये वाला जो पहाड़ है इसमें क्या है? ये टिफिन टॉप है इधर। कौन सा टॉप है? टिफिन टॉप। टिफिन टॉप, उसमें क्या होता है? सर उधर से व्यू दिखते हैं इधर उधर के। तो ये अपने मतलब व्हीकल से जा सकते हैं, व्हीकल से जा सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल से। तो ये बोटिंग हो गई अपनी, एक्सपीरियंस काफी सही था। पहले भी मैं वैसे आके यहाँ पर कर चुका हूँ बोटिंग, तो आज भी एक्सपीरियंस सही था। ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि आ रहे हो तो कर लो, उस हिसाब से वर्थ इट है, एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आपने नहीं करी तो। सो जी शुक्ला जी, आप क्या बोल रहे थे? तो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं तिब्बत मार्केट, वहाँ पे एक मोमोज वाला फेमस है, हम केश करेंगे, आपको बताते हैं कैसा लग रहा है, कम ऑन। सो जी फ्रेंड्स, शुक्ला जी ने सब अप कर दिया है, तिब्बत मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पर एक नॉन वेज का मोमोज वाला काफी फेमस बताया। तो देखते हैं, शॉप का नाम तो अभी हमें पता नहीं, हंट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं आपको बताते हैं। देखो जी, तिब्बत मार्केट ये है, यहाँ का पूरा विंटर वियर मिल रहा है। बस खाने पीने की शॉप से सोनम मोमोज वाला सुना है अभी तक, तो वो बोल रहा है शुक्ला, उधर बोल रहा था यार, आजा इधर बोल रहा था वो, आवाज ये रहा, इधर है। तो हमारे प्रतीक बाबू ने बताया है सर्च करके, इस तरफ देखते हैं जाके यहाँ पे कहाँ पर है। सो जी फ्रेंड्स, यहाँ से वो था पूरा, और ये है वो सोनम फास्ट फूड, काफी फेमस बताया, पूछ पूछ के लोग आ रहे हैं, यहाँ बहुत भीड़ पड़ती है। सो फ्रेंड्स, हमने टेस्ट करी है मटन स्टीम मोमोज, ये अपना यहाँ पे जो है, क्या नाम है इसका? सोनम फास्ट फूड, जो कि काफ़ी फेमस है, बट जो टेस्ट हमने टेस्ट करा काफ़ी कुछ खास नहीं लगा, सो रिकमेंड तो नहीं करूँगा। सो एक बार टेस्ट कर सकते हो वैसे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा खा के।
तो जी फ्रेंड्स, जितना सुना था ना उसका 1% भी अच्छा नहीं निकला, ये बिल्कुल भी बहुत ही गंदा टेस्ट था वेज का तो। और नॉन वेज शुक्ला और चेतन भाई ने ट्राई करा, वो भी बिल्कुल बकवास था, तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है वो। इससे बढ़िया बाहर जो और शॉप्स हैं वहीं पे आप ट्राई कर सकते हैं, इतना अंदर आने का कोई सेंस नहीं है। इधर देख, अभी तो यार बहुत ज़्यादा बोर से हो गए थे, कुछ ऐसे खास करने को नहीं है, कल जो था कर लिया, अब तो ऐसे ही सिटी विटी में डोल लो। तो मॉल रोड पे ऐसे हम आ गए थे लॉन्च के अंदर, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खा लेंगे और बैठ जाएंगे थोड़ी देर, और फिर बस रात ही बस है। यहाँ से देख सकते हैं, लेक व्यू भी दिख रहा है और ये वाला प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर बस टाइम पास ही हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बैठे बैठे यहाँ तो अब रात हो गई, अब तो बस काफ़ी टाइम हो गया हमें यहीं बैठे हुए थे, तब से 2-3 घंटे थे, अब तो कुछ नहीं, बस अब 6 तो बज ही गए, अब 8 बजे तो बस पकड़नी है। सोचिए अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं नैनीताल आने का, तो ऑलमोस्ट मतलब एक दिन का ही है वहाँ पर, ऐसा कुछ है नहीं कि आप 2 दिन तक कुछ कर लोगे, तो उस हिसाब से मतलब एक नाइट का ही है, मतलब ठीक है 2 नाइट अगर आप करना चाहते हो, एक आप स्पॉट्स घूमना चाह रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम है तो ठीक है आप 2 नाइट कर सकते हैं, एक बार आप मुक्तेश्वर टेम्पल और दीम करोली बाबा जी के वहाँ पर आश्रम में जा सकते हैं, एक आप सिटी में एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे 6-7 हिल पॉइंट्स हैं जहाँ से व्यू पॉइंट हैं इनके, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी ठीक है, अभी तक तो एक्सपीरियंस मतलब सही रहा यहाँ का। अब इसके बाद तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, इसके बाद बस अपन बस में बोर्ड कर लेंगे और बस इसके बाद फिर अपन यहाँ से वापस दिल्ली के लिए निकल लेंगे। तो डे 2 व्लॉग में हमने आज ऐसा कुछ खास करा नहीं, तो ऐसी आपको कोई खास फुटेजेस शो नहीं हो रही होगी आज इस व्लॉग में, ठीक है। फिर भी मैंने ट्राई करा बेस्ट, जो भी हमने आज एक्सप्लोर करा वो मैंने इसमें फुटेजेस ऐड करी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये व्लॉग सही लगा हो, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा देन डू लाइक द वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही व्लॉग्स मैं बनाता रहूँ जब भी मैं ट्रैवल करूँ सोलो या ग्रुप में, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बताइए कि क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी ब्लॉगिंग में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखता हूँ मैं इसके बाद में कहाँ का प्लान हो पाता है मेरा, क्योंकि ऑफिस भी रहेगा तो देखना पड़ेगा कुछ नेक्स्ट क्या ट्रिप प्लान हो सकता है। अदरवाइज़ अगर मैं कुछ और ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली या कहीं और, तो उसका भी मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ की भी ब्लॉगिंग करूँ मैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।